नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आज मेरे पास आ चुका है रियलमी एक्स फिफ्टी प्रो, सॉरी रियलमी एक्स फिफ्टी प्रो नहीं, वीवो एक्स फिफ्टी प्रो। जी हां, दोनों स्मार्टफोन ब्रांड्स के पास एक्स फिफ्टी प्रो नाम का मॉडल अब मौजूद है, इसलिए जब भी आप एक्स फिफ्टी प्रो नाम लें तो रियलमी या वीवो लगाना मत भूलिए, वरना सामने वाले को समझ नहीं आएगा कि आप किस फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं। पर एनीवे, जोक्स अपार्ट, आज इस वीडियो में हम आपको वीवो एक्स फिफ्टी प्रो की अनबॉक्सिंग और इसका फर्स्ट इंप्रेशन दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि बॉक्स हमारे पास आ चुका है और इस बॉक्स को देख के मुझे कुछ कुछ वीवो के ही X21 की याद आ रही है। X21 के बॉक्स का डिज़ाइन भी कुछ हद तक ऐसा ही था। पर एनीवे, आप फटाफट से बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कंटेंट आपको क्या मिल रहा है। यहाँ से हमने बॉक्स खोल लिया है और अब पूरी तरह से ओपन कर लिया बॉक्स को। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ स्मार्टफोन है। इस बॉक्स को मैं यहाँ प्लेस करता हूँ ताकि आप इसे देखते रहें और अब इसके साथ साथ मैं आपको एक करके सब कुछ दिखाता रहूँगा। सबसे पहले फ़ोन को हम बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो फ़ोन तो भाई बाहर निकालते ही काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए, बेहद ही शानदार लुकिंग डिवाइस है, बेहद ही इम्प्रेसिव लुकिंग डिवाइस है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुकिंग डिवाइस है। मतलब क्या वर्ड कहूँ इसके लिए, कम है। लुक्स आप देख सकते हैं, बहुत ही क्लासी है। मैट फिनिश बैक पैनल दिया गया है और कैमरा प्लेसमेंट तो गजब है। पर एनीवे, अभी फ़ोन को ऑन करता हूँ और इसे यहाँ प्लेस करता हूँ। आप इसका बूट टाइम देखिए, यहाँ आपको कुछ IMEI स्टिकर्स मिल जाएंगे जिसको मैं साइड में रख देता हूँ। इसके साथ साथ अब मैं आपको बाकी बॉक्स कॉन्टेंट दिखाता हूँ। ये एक लिड है, इसको हटा देते हैं। यहाँ पर है इसका बैक कवर, यहाँ आपको सिम इजेक्शन टूल मिल जाएगा, इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिल जाते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये क्विक स्टार्ट गाइड है और ये वारंटी कार्ड है, इसको हम रखते हैं इसके नीचे ताकि आप देखते रहें। इधर आपको मिलती है टाइप सी केबल, इसमें दिए गए हैं ईयरफोन्स, ये रहे इसके ईयरफोन्स, 3.5 ऑडियो जैक वाले ईयरफोन्स हैं। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बड्स मिल जाएंगे आपको और ये एक कनेक्टर है जिसमें एक तरफ टाइप सी का ऑप्शन है और एक तरफ 3.5 ऑडियो जैक का ऑप्शन है। और ये रहा इसका पावर अडैप्टर। पावर अडैप्टर की वॉटेज देख लेते हैं ज़रा, 11 वॉट 3 एम्पियर मैक्सिमम, यानी 33 वॉट का ये अडैप्टर है। तो ये है बॉक्स कंटेंट इसका। जब आप वीवो एक्स फिफ्टी प्रो को ख़रीदेंगे तो आपको ये सब कुछ इसके अंदर मुहैया करवाया जाएगा। वी आर ग्लैड के कंपनी आपको यहाँ पे ईयरफोन्स साथ में दे रही है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि कई स्मार्टफोन कंपनीज ईयरफोन्स नहीं देती। पर एनीवे, अब हम इसके फर्स्ट इंप्रेशन पर नजर डालते हैं। तो यहाँ पे अब इस फोन के फर्स्ट इंप्रेशन की शुरुआत हम इसके डिज़ाइन से करते हैं, क्योंकि जैसे ही इस फ़ोन को मैंने देखा डेफिनेटली बहुत पसंद आया। आपको भी ये फ़ोन ज़रूर देखने में पसंद आएगा। आप देख सकते हैं कि मैट फिनिश बैक पैनल दिया गया है, हालांकि ग्लास है, रोडा ग्लास 6 की प्रोटेक्शन दी गई है, पर जो ये टेक्सचर है, जो कलर है वो मैट फिनिश है और लुक्स आपको इसकी ज़रूर पसंद आने वाली है। ये जो कैमरा प्लेसमेंट, जो कैमरा का डिज़ाइन, जो कैमरा मॉड्यूल, जो भी आप इसको कहें, बहुत ही शानदार लग रहा है देखने में। एक्चुअली में एक कैमरा फ़ोन लग रहा है और वैसे भी कंपनी ने इसे कैमरा फ़ोन के तौर पर ही पेश किया है, इसलिए ये फ़ोन आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। कैमरा का डिज़ाइन की वजह से इस फ़ोन की लुक्स बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है। इनफैक्ट काफ़ी कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, 6.56 इंच का इसका स्क्रीन साइज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी हाथ में पकड़ने पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़े साइज़ का फ़ोन पकड़ा हुआ है आपने। बहुत ही कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, स्लीक भी काफ़ी ज़्यादा है, ओवरऑल काफ़ी अच्छी लुक है। ये जो कैमरा है इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। कैमरा एक्चुअली बहुत सही है इसका, कंपनी ने इसे कैमरा के तौर पर ही लॉन्च किया है, कैमरा फ़ोन के तौर पर ही। कर्व बैक पैनल है, मेटल फ्रेम दिया गया है। इस तरह आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पावर बटन के साथ वॉल्यूम लॉकर की मिल जाती है। नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल है, टाइप सी पोर्ट है, एक माइक है और यहाँ पर आपको सिम ट्रे मिल जाता है। इस तरफ एक बैंड है और ऊपर की तरफ भी बैंड है और यहाँ पर एक आपको माइक मिल जाता है। यहाँ पे 5G प्रोफेशनल फोटोग्राफी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम इसके डिस्प्ले की, तो 3D कर्व डिस्प्ले है, पंच होल दिया गया है, 6.56 इंच का डिस्प्ले आपको बता चुका हूँ, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। बैक पैनल पे तो गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन है, लेकिन फ्रंट में आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन मिल जाती है जो कि वीवो अक्सर करता है। इसमें भी ऐसे किया कि बैक पैनल पर गोरिल्ला ग्लास 6 दिया और फ्रंट पर आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। और क्योंकि सुपर एमोलेड है इसलिए आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट सेंसर कहीं पर नहीं है, फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले के अंदर है। पर आपको बता दूँ कि कुछ भी हो, फ़ोन के स्पेसिफिकेशन वैसे तो बहुत दमदार है, पर कम भी होते तो निराश नहीं होता। फ़ोन की जो इनहैंड फील है वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप एक्चुअली में ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये फ़ोन जब आप इसको पकड़ेंगे।
प्रीमियमनेस का एहसास आएगा इस फ़ोन में आपको। अब इसके अलावा हम इंटरनल्स पे गौर करें तो ये इंडिया का पहला फ़ोन जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट दिया गया है। जी हाँ, 765G चिपसेट अब तक इंडिया में किसी और स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिला। ये पहला फ़ोन है और जो कि 5G सपोर्ट करता है। हालांकि 765 जो है वो थोड़े कम रेंज के फ़ोन्स का 5G प्रोसेसर है, 865 जो है वो हायर रेंज के फ़ोन्स का 5G प्रोसेसर है, लेकिन कंपनी ने इसमें यही दिया है। यहीं पे थोड़ा सा हमें कमी लगी कि जब इतने प्राइस पे कंपनी इस फ़ोन को लॉन्च कर रही है तो चिपसेट भी थोड़ा सा बड़ा दे देती और कुछ पैसे और बढ़ा लेती तो इससे हम निराश ना होते, हम इसे एकदम टॉप क्लास फ्लैगशिप फ़ोन कह सकते थे। अभी प्रोसेसर की वजह से थोड़ा सा इसे मैं पीछे कहूँगा, पर बाकी स्पेसिफिकेशन जानेंगे तो आप ज़रूर इसे खरीदना चाहेंगे। बहुत ही दमदार फ़ोन है, दमदार फीचर के साथ इसे कंपनी ने लॉन्च किया है। इसके अलावा इसकी रैम स्टोरेज भी आपको दिखा देता हूँ मैं, हमारे पास कौन सा मॉडल आया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रंट टच OS दिया गया है, एंड्रॉयड 10 है, 765G ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज है जो हमारे पास आया है। इसके अलावा 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट भी कंपनी ने पेश किया है। वहीं पावर बैकअप के लिए इसमें आपको 4315 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 33W की चार्जिंग स्पीड सपोर्ट करती है, और वो मैं आपको शुरू में अनबॉक्सिंग के टाइम पर दिखा चुका हूँ। अब बात करें कैमरा सेक्शन की तो वीवो X50 Pro में आपको मिलता है 48MP का प्राइमरी सेंसर जो कि गिम्बल कैमरा है। जी हाँ, गिम्बल कैमरा है, यानी इसमें जब आप वीडियो शूट करेंगे तो आपको पूरा गिम्बल वाला इफेक्ट आएगा, यानी कि जैसे कि आपने किसी गिम्बल पे फ़ोन को लगा रखा है और आप वीडियो शूट कर रहे हैं, मतलब बहुत ही स्मूथ एनिमेशन आएगी। इसके अलावा इसमें आपको 8MP का सुपर वाइड एंगल लेंस मिल जाता है, इसमें मैक्रो फोटोग्राफी भी है। इसके साथ साथ 13MP का बोके लेंस दिया गया है और एक 8MP का एक और सेंसर है जो कि टेलीफोटो लेंस है, 5x ऑप्टिकल जूम है और 60x डिजिटल जूम सपोर्ट आपको मिल जाता है। आपको बता दूं कि इसमें OIS और EIS दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ अगर फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो फ़ोन में 32MP का फ्रंट शूटर आपको मिल जाता है, और ये रहा इसका 32MP फ्रंट शूटर। आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार है, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन है, उसके बावजूद भी मैं दमदार क्वालिटी इसको कह सकता हूँ। बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। मैं आपको ज़रूर इसका कैमरा कंपैरिजन दिखाऊंगा इस प्राइस रेंज के दूसरे स्मार्टफोन्स के साथ, खासतौर पर OnePlus 8 Pro के साथ, जिससे आपको यकीन होगा कि कौन सा फ़ोन कैमरा फोटोग्राफी में अच्छा साबित होता है। पर अब हम रियर कैमरा की बात करते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा था 48MP का सेंसर इसमें दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसमें कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, सुपर मून है, स्टारी मोड है, प्रो स्पोर्ट, डॉक्स, AR स्टिकर, जोई विजन, स्लो मो, टाइम लैप्स, ये सब फीचर इसमें आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइक्रो गिम्बल फीचर है। अब इस गिम्बल फीचर का जो मैंने आपको बताया था, गिम्बल फीचर का बेनिफिट ये है कि एकदम प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइजेशन रहेगी आपकी, कैलिब्रेशन कम्प्लीट लिखा है, रिकैलिब्रेट करते हैं इसको। तो अब जब आप इससे वीडियो शूट करेंगे तो मैं बता दूं आपको, बहुत ही दमदार आपका वीडियो शूट होने वाला है। जैसे गिम्बल में हम शूट करते हैं वीडियो, वैसी वीडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है, वैसी अल्ट्रा स्टेबल वीडियो क्वालिटी आपको मिलने वाली है। पता नहीं चलेगा कि आपने एक्चुअली में इसको गिम्बल पे रख के शूट किया है या फिर एक नॉर्मल फ़ोन के थ्रू हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। उसका यकीन आपको तब आएगा जब मैं आपको इसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल वीडियो मैं बना नहीं सकता क्योंकि अभी स्टूडियो के अंदर हूँ, मैं आपको सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन दिखा रहा हूँ, पर मैं आपको बहुत जल्द इसका वीडियो टेस्ट दिखाऊंगा जो गिम्बल टेस्ट है। अदरवाइज़ इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि ट्विटर और फेसबुक पे हम इसके वीडियो टेस्ट डालते रहेंगे, आप वहाँ पे जाके भी इसके वीडियो का डेमो देख सकते हैं। गिम्बल वीडियो का बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है उन लोगों को जो कि ब्लॉगर्स हैं, जो कि ट्रैवलर हैं, जो कि अपने फ़ोन से वीडियो शूट करके अपने सोशल मीडिया पर वीडियोस डालते हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार साबित हो सकता है। साथ साथ इसमें आपको जूम कैपेबिलिटी मिल रही है, 5x टेलीफोटो जूम है और 60x हाइब्रिड जूम भी मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन कंपनी लेके आई है। डिटेल इसका मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, रिव्यू का टाइम भी दिखाऊंगा, और बीच बीच में कुछ पोस्ट डालता रहूंगा जो कि आप देखते रहिएगा। सोशल मीडिया को प्लीज़ फॉलो कीजिए, हमारे पर्सनल हैंडल्स हैं मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर के, और हमारे 91 के भी ट्विटर हैंडल्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, आप जाके फॉलो कीजिए। हम वहाँ पे इसके बारे में कुछ कुछ डालते रहेंगे, वीडियो का डेमो भी आपको डाल के दिखाएंगे ज़रूर, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसी वीडियो क्वालिटी इससे आपको मिलने वाली है। अब प्राइसिंग की बात की जाए तो मैंने आपको पहले ही बोला कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन्स, क्योंकि प्रोसेसर जो है वो 30-35
30,000 के आसपास की रेंज का प्रोसेसर है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा हाई रेंज में ये प्रोसेसर मुहैया करवा रहा है कंपनी। बट अगर आप बाकी फीचर्स देखेंगे तो आप इससे बिल्कुल निराश नहीं होंगे। पर एनीवे, आपकी क्या राय है वीवो के इस नए स्मार्टफोन X50 Pro के बारे में? क्या आप इसको फ्लैगशिप कैटेगरी में डालेंगे और क्या आप इस फ़ोन को इस प्राइस पर खरीदना चाहेंगे? फॉर इट्स कैमरा, फॉर इट्स पावरफुल कैमरा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हमेशा की तरह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।